जोधपुर रेंज आईजी नवज्योति गोगोई गुरुवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर बाड़मेर पहुंचे। बाड़मेर में जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आईजी गोगोई ने जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह समेत समस्त पुलिस अधिकारियों उनके साथ बैठक ली। बैठक में आगामी कांस्टेबल परीक्षा को लेकर की गई तैयारियों, परीक्षा केंद्रों की व्यवस्थाओं और सुरक्षा व्यवस्था के साथ अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करवाने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए। जोधपुर रेंज आईजी नवज्योति गोगोई गुरुवार को एक दिवसीय दौरे को लेकर बाड़मेर पहुंचे। बाड़मेर में जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आईजी गोगोई ने जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह, डीवाईएसपी माओवी प्रसाद शर्मा, डीवाईएसपी पुष्पेंद्र सिंह आड़ा समेत समस्त पुलिस अधिकारियों के साथ आगामी कांस्टेबल परीक्षा को लेकर तैयारियों की बैठक ली। परीक्षा केंद्रों की व्यवस्थाओं की बैठक ली और सुरक्षा व्यवस्था के साथ अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। साथ ही आईजी नवज्योति गोगोई ने कांस्टेबल परीक्षा के लिए चयनित परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। गौरतलब है कि आगामी 6-7-8 नवंबर को होने वाली कांस्टेबल परीक्षा 2019 के लिए बाड़मेर में 6 परीक्षा केंद्रों पर करीब 16,000 परीक्षार्थी भाग लेंगे। कांस्टेबल भर्ती 2019 की जो लिखित परीक्षा है ये 6-7 और 8 नवंबर को होगा। बाड़मेर में कुल 16,000 करीब कैंडिडेट्स हैं और 6 टोटल सेंटर्स हैं। इस पे वही है, क्या तैयारी है, क्या व्यवस्थाएं रहेगा, उसके लिए मैं आया। अभी एसपी साहब और बाकी जो एडिशनल एसपी है, सीओ है, उनसे मैंने डिस्कस किया और सभी तैयारियां हमारा लगभग कंप्लीट है और हम किस हिसाब से जाब्ता लगाएंगे और जो भी सेंटर्स है उसकी बाहर क्या होगा और जो परीक्षार्थी आएंगे ये बाहर डिस्ट्रिक्ट से आएंगे उनको रुकने का और ये किस हिसाब से उनको कोई परेशानी नहीं हो उसके लिए हम व्यवस्था करेंगे। और मुझे लगता है हम इस एग्ज़ाम्स को जिस हिसाब से तैयारी मैंने देखा बहुत बढ़िया से सक्सेसफुली कर लेंगे। इसमें दो चीज़ें, एक तो जो परीक्षाएं हैं ये प्राइवेट एक फॉर्म को दिया हुआ है, ये लोग भी अपने हिसाब से करेगा और पुलिस भी अपने हिसाब से व्यवस्था करेंगे। हम भी ये कोशिश करेंगे जो भी गाइडलाइंस है, जो रूल्स बनाए हुए हैं, लोगों को किस हिसाब से आना है, क्या ला सकते हैं, क्या नहीं ला सकता है, इसको हम स्ट्रिक्टली कंप्लायंस कराएंगे। और अगर ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है जो पहले ऐसा केसेस में जिसके लिए जिसका केस रजिस्टर्ड है उन पर भी नज़र रखा जाएगा। और आप लोग के बीच में भी हम ये भी आपके थ्रू ये भी कहना चाहूँगा, अगर कोई किसी को भी कोई कैंडिडेट को और कोई किसी गिरोह ने अगर कांटेक्ट करे, कुछ चीज़ करे, तुरंत पुलिस को बताइए जैसे हम कार्रवाई कर सकें। पत्रकारों से बातचीत करते हुए जोधपुर रेंज आईजी गोगोई ने कहा कि आगामी कांस्टेबल परीक्षाओं को लेकर बाड़मेर पुलिस ने क्या व्यवस्था सुनिश्चित की है, इसके लिए उन्होंने गुरुवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय का दौरा किया, परीक्षा केंद्रों की व्यवस्थाओं को जांचा। फिलहाल सब कुछ संतोषजनक है। परीक्षा के दिनों में नकल गिरोह के सक्रिय होने के सवाल पर आईजी गोगोई ने कहा कि पुलिस प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखेगी, साथ ही ऐसी किसी सूचना पर पुलिस अपराधियों और आरोपियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करेगी। आईजी गोगोई ने कहा कि कांस्टेबल परीक्षा कैसे पारदर्शिता और शांति व्यवस्था के साथ संपन्न करवाई जाए, पुलिस की यही मंशा है। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के कुल 5,438 पदों के लिए भर्ती हो रही है, जिसमें 17.5 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। पहले ये भर्ती परीक्षा मई में आयोजित होने वाली थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसे टाल दिया गया था। इसके बाद इसे जुलाई में कराने की योजना थी, लेकिन कोरोना के हालात नहीं सुधरे, अब आखिरकार इसे नवम्बर के पहले सप्ताह में करवाया जा रहा है।